Hello friends, how are you all? Hope you will be fine. My today video topic is about vitamin D. Vitamin D हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी विटामिन है। इसकी कमी से डिमेंशिया नामक बीमारी का खतरा 120% तक बढ़ जाता है, ऐसा रिसर्च के जरिए हाल ही में पता चला है। विटामिन डी लगभग हर कोशिका के लिए आवश्यक है। जब हम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तब सूर्य के प्रकाश और त्वचा के जरिए विटामिन डी उत्पन्न होता है। इसकी अत्यधिक कमी से डिमेंशिया नामक रोग होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया याददाश्त से जुड़ी एक बीमारी है। डिमेंशिया मस्तिष्क की हानि का कारण बनता है। यह भावनाओं, भाषा या पर्सनैलिटी से संबंधित समस्याओं के साथ साथ शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी कम कर देता है। विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करता है तथा हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। शरीर में विटामिन डी की कमी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। विटामिन डी की कमी दिमाग, दिल और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रभावित करती है। सुबह 10 से 11 बजे के बीच का समय धूप सेकने के लिहाज से बेहतर है। इस समय सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिसके चलते सनबर्न और त्वचा के काला होने का खतरा नहीं रहता और शरीर की विटामिन डी की जरूरत भी पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, भले सुंदर त्वचा और सुंदर चेहरे के लिए आप सनस्क्रीन लोशन यूज करें, चेहरे पर दुपट्टा लगाएं, लेकिन दिन में एक बार कुछ मिनटों के लिए धूप जरूर सेकें। यह आपकी हड्डियों और आपकी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। नाउ ओके फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।